हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है इसी के साथ जेनोसाइड. जेनोसाइड एक बहुत सिंपल सा वर्ड है. साइड एक सफिक्स है. साइड एक सफिक्स है. सफिक्स का इधर जो मीनिंग बन रहा है इसका मीनिंग बनेगा टू किल. टू किल. जब हमारे पास वर्ड आ जाता है किसी भी सफिक्स के अंदर साइड, इसका हिंदी अर्थ बनता है किसी भी चीज की, इंसान की हत्या करना. अब हमारे पास जितने भी रिलेशन है उन सब में से जिसको भी आपने मारना है आप मार सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा वर्ड हम लिखते हैं जोरीसाइट. अब साइट का मतलब तो हमने पढ़ लिया. अब जोरी जो वर्ड है वो हिंदी शब्द से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है, जिसको हिंदी में जोरू से वर्ड यूज किया जाता है. किसे यूज किया जाता है? जोरू. जोरू इज लाइक वाइफ. तो जोरीसाइट किसकी मतलब होगी? हत्या, किलिंग ऑफ वाइफ. तो किसी भी प्रकार से किसी की भी. अब इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां हत्या बच्चों की बहुत ज्यादा होती है. तो इन्फेंट वर्ड आपने सुना होगा, इन्फेंट. तो इन्फेंटिसाइड जैसे ही जोड़ेंगे तो किलिंग ऑफ इन्फेंट्स हो जाएगा. इस प्रकार से जो भी वर्ड आपने लिखना है हत्या से रिलेटेड तो वो बनेगा इन्फेंट. इंडिया में जेरेनोसाइड के केस बहुत सारे पड़ रहे हैं. जेरेनोसाइड, जेरेनोसाइड, जेरेनोसाइड का मीन होता है किलिंग ऑफ ओल्ड पीपल. किलिंग ऑफ ओल्ड पीपल, बुजुर्ग लोगों की हत्या. लेकिन एक बात याद रखिएगा, जेरेनो को अगर जेरेनो को यदि आप क्रेसी या आर्की से जोड़ देते हैं, किसे जोड़ देते हैं? क्रेसी या आर्की से कनेक्ट कर देते हैं, तो डेमोक्रेसी का डेमो हटा दिया और साइड हटाकर क्या ऐड किया? क्रेसी. इन दोनों वर्ड्स को ऐड किया तो जेरेनोक्रेसी का मीनिंग बन जाएगा रूल बाय ओल्ड पीपल, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल. गवर्नमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल, इससे आपके काफी सारे वर्ड बन सकते हैं. रीसेंट में नहीं करा. जी बिल्कुल. ठीक है, इजी है ये. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? जेनोसाइड एक रह गया. जनरल कॉमन मास की किलिंग, नरसंहार वर्ड सुना है? जलियांवाला बाग में हुआ था नरसंहार. नरसंहार, किलिंग ऑफ जीन्स. जीन्स समझते हैं, सभी के शरीर में जीन्स होते हैं. आपके जीन्स आपसे 200 साल पहले भी प्रजाति, यानी कोई दादा परदादा या उसका भी शायद कोई दादा हुआ हो, तो उसकी बॉडी के जीन्स और आपकी बॉडी के जीन्स लगभग कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, जेनेटिक चेंज. तो जीन्स की यानी एक ही प्रजाति के लोगों की हत्या, जेनोसाइड. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बोलो बेटा. इटिनरी. इटिनरी इसका कोई रूट नहीं है. इटिनरी का कोई रूट वर्ड नहीं है. इसका मतलब होता है इटिनरी का स्मॉल जर्नी. स्मॉल जर्नी, जल्दी जल्दी लिखिएगा क्योंकि हम बहुत टाइम दे रहे हैं इसको, इतना टाइम नहीं देना हमने इसे. इटिनरी स्मॉल जर्नी, छोटी छोटी बहुत ज्यादा जर्नी करना. क्लियर है? लेकिन आप अगर सेल्स की जॉब में हैं तो आप सेल्स की जॉब के काम को इटिनरी नहीं बोलेंगे आप, ये बात याद रखिएगा. नेक्स्ट बोलिए सेंटेंस. सिनेक्योर एक ऐसी जॉब जिसमें काम नहीं है स्टिल पैसा बहुत है. काम नहीं है यानी लो वर्क विद हाई सैलरी. लो वर्क विद हाई सैलरी. पुराने टाइम पीरियड में राजाओं के तारीफ करने वाले लोग जो उसके साथ उसके बेसिकली विचारकों की पोस्ट पर होते थे, उनका काम ना के बराबर होता था और उनका सैलरी काफी हाई होता था. तो सिनेक्योर लो सैलरी, हाई सैलरी लो वर्क. लेकिन एक ऑनररी एक वर्ड है, ऑनररी, एच ओ एन ओ आर ए आर वाई, ऑनररी. दोबारा बोलता हूं, एच ओ एन ओ आर ए आर वाई. ऑनररी का मतलब होता है जब हमारे पास में जॉब बहुत बड़ी है, जॉब यानी कि ड्यूटीज बहुत सारी हैं, बट नो सैलरी.
नो सैलरी, नो सैलरी या वेरी लो सैलरी, वेरी लो सैलरी विद हाई जॉब। पुराने टाइम पीरियड में जैसे दास बना लिया जाता था, किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता था, सो दैट पर्सन हैव टू या हैज टू वर्क अंडर द ऑनररी। ऑनररी का मतलब वन टाइम पेमेंट फॉर द कंप्लीट सेक्शन, या कहें कि वो सिर्फ मानसम। अब जैसे हम अपने गुरुजनों को बनाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, सेल्फ काम करते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का, सिस्टर का मैरिज है, तो हम सारे के सारे ना तैयार होके खड़े नहीं होते, हम सीधा काम में लगे रहते हैं कि लाओ भाई काम क्या, बताओ हमारे को, तो उसे हम कहेंगे ऑनररी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सैनिक के दो मतलब होते हैं। सैनिक का सबसे पहला मतलब होता है निंदक, निंदक जो कमियां निकाले, जो कमियां निकाले। निंदक की जगह हम इसे माइन्यूट डिटेल्स भी कहते हैं, ये वर्ड हमारा पूछा जाता है, माइन्यूट डिटेल। अब माइन्यूट डिटेल कौन पूछेगा? जिसके पास नॉलेज होगा, ठीक है। तो नॉलेज होगा तो उसके लिए साइनिक वर्ड, हु ऑलवेज ट्राई टू फाइंड माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स लिखते जाइएगा। माइन्यूट डिटेल्स निकालने वाले को निंदक कहा जाता है। व्हाट इज अनदर वर्ड? फैनेटिक। बेसिकली धर्म के लिए कट्टरपंथ होना, धर्म के लिए कट्टरपंथ होना। जैसे कि एज पर द लेटेस्ट इंडिया, इस समय जो हम लेटेस्ट यानी कि अब बात कर रहे हैं, पूरा इंडिया दो पार्टीज में बट गया है, पूरा इंडिया दो सेक्शन में बट गया है। एक सेक्शन वो है जिसमें कैब जैसे बिल, सिटीजन अमेंडमेंट जैसे बिल की बात की जाती है, जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं है, बट स्टिल दे आर मेकिंग ह्यूमन क्राई, स्टिल दे आर मेकिंग ह्यूमन क्राई। एंड द ऑपोजिट हैंड, जिनको या तो कोई मतलब ही नहीं है देश से, या फिर ओवर पैट्रियोटिज्म उनके अंदर है। कौन सा? ओवर पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति ओवर है। इट डजंट हैव एनी डेफिनेशन कि इस क्या कहेंगे, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वन हु लव्स या वन हु आर इन फेवर ऑफ एंड इन अगेंस्ट ऑफ, इन अगेंस्ट ऑफ। एट प्रेजेंटली ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आते हैं हमारे किस में आएंगे? फैनेटिज्म के अंदर। फैनेटिज्म का मतलब अपने धर्म के लिए कट्टर होना, धर्म के लिए कट्टर होना। अब जैसे किसी टाइम पीरियड में, आज से 2013 या 12 के अंदर, हमें धर्म से इतना फर्क नहीं पड़ता था कि हिंदू मुस्लिम से, लेकिन आफ्टर कमिंग ऑफ 2014 हमें अंदर से जागरूकता ऑटोमेटिकली आने लगी, या माहौल ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं पूरे दिन में एक आधा बंदा सुनाई देगा अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद, दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना चाहते हुए दिमाग में भर दी जाएंगे। तो जब आदमी रोज सुनेगा तो अपने विचार भी प्रकट करेगा, पढ़ेगा, जानेगा और कट्टरपंथ की तरफ बढ़ेगा। सो दैट वर्ड इज इंडिकेट फैनेटिक, फैनेट आई एम सॉरी फैनेटिक नहीं हाँ फैनेटिक कट्टरपंथ किसी भी धर्म के लिए। ये बेसिकली दीज पीपल आर लाइक ब्लास्फेमी, दीज पीपल आर लाइक ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म के, और उसके खिलाफ दे जस्ट स्टेटेड देयर स्टेटमेंट्स, उनके बारे में कुछ भी बोलना। ओके, नेक्स्ट वर्ड बोलिएगा। अब जल्दी फिनिश करने हैं, दो ही वर्ड बचे हैं। मानिया इज लाइक क्रेजी और ऑब्सेशन, मानिया कई लोगों का पागलपन, कई लोगों का पागलपन या क्रेजीनेस, इसे हम ऑब्सेशन भी कह सकते हैं, मजबूरी। क्या कहते हैं? मजबूरी। इंडिया को नाम दिया गया है एज पर यू नो द नंबर्स ऑफ रेप्स, एज पर यू नो द रेशियो इन इंडिया, इन एवरी 6 मिनट और 7 मिनट अ गर्ल इज बीइंग रेप्ड, गर्ल इज बीइंग रेप्ड। मेंटेलिटी हमारे इंडियंस की छोटी है। तो राहुल गांधी की अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इंडिया को नाम दिया गया निम्फोमानिया, निम्फोमानिया, निम्फोमानिया अकॉर्डिंग टू राहुल गांधीज स्पीच, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधीज लेटेस्ट स्पीच ही सेड दैट मेक इन इंडिया की जगह दैट बॉडी सेज रेप इन इंडिया,
That word he says, rape in India. And that moment, the word indicates nymphomania. Nymphomania, as per the ratio, indicates that every girl, yeah, in our country, a girl is being raped in 6 minutes. So, the word indicates nymphomania, those who have craving desire to sex. ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आता है मानिया यानी क्रेजी. ऐसे ही क्रेजी के लिए हमने एक वर्ड लिखा था क्लेप्टोमानिया. क्लेप्टो इज इंडिकेटिंग थीफ, चोरी, और मानिया इंडिकेट्स पागलपन. You have heard a news and the news got very viral. A person went to another country and his wife steals soap, toilet paper, perfume. Right, Bali का सीन है. Though they are basically like kleptomania. They spent almost 50 lakh rupees to enjoy their vacations and they got stuck in a problem of stealing something. So, in this case, synonym mein ek word banta hai aur ye word pucha jata hai pilfer. Pilfer means to steal that kind of things which doesn't have actual value. Unki koi value nahi hoti. Bahut sare logon ko dekha hai. Kuch bhi uthana, but uthana hai. Kuch bhi uthana hai. गए, कुछ भी नहीं उठाया तो उठा के टिश्यू पेपर ही उठा के फोल्ड करके बैग में रख लिया. होता है ऐसा, और बाद में उसको यूज करना. सो दीज सिचुएशंस आर कॉल्ड पिल्फर, विदाउट एनी रीजन स्टीलिंग. ठीक है, टूथपिक्स निकाल लेना और टिश्यू पेपर्स उठा लेना. साबुन तो नहीं, खैर इंडिया में साबुन. पढ़ते हैं आगे. प्लीज डोंट मेक नॉइज, नो नॉइज. एंड द लास्ट वर्ड इज रेटिसेंट. एंड द लास्ट वर्ड इज रेटिसेंट. रेटिसेंट इंडिकेट्स, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी. अल्पभाषी जो कम बोलता हो, कम बोलता हो. प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास आर रेटिसेंट एंड बेसिकली इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट दे स्पीक only when it is required, only when it is required. The word comes reticent. Opposite of extrovert, outspoken and put-spoken. Opposite of introvert, outspoken and put-spoken. All these words are indicating zyada bolne wala. Ab, at presently, if somebody says that teacher is reticent or teacher is extrovert or outspoken, so you can't use that word. As per teaching is a profile and we have to explain obviously by speaking, bolkar hi samjhana padta hai. So we cannot say I am basically extrovert. Okay, so word use kare dhyan se. Vocab finish, let us start the topic. Adjective. Topic is adjective. Obviously, we have already started in the previous class. So, कहाँ पर थे हम? कितना पढ़ाया था? Types of में possessive पढ़ा दिया था, adjective of quality पढ़ा दिया, proper पढ़ा दिया होगा, ठीक है? Now make a heading, adjective of number. Make a heading, adjective of numbers. Adjective of number. Number indicates only countable things. आप number का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपके पास कोई countable noun होगा. Clear a point? Countable जिसे गिना जा सके. अच्छा, राइस गिन सकते हैं? Yes, तो राइस गिन सकते हैं? वी हैव अ स्पेशल केस. खैर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वी कैन काउंट द बाइट्स ऑफ राइस, नॉट राइस. वी कैन नॉट काउंट सॉल्ट, बट वी कैन काउंट द पिंचेस ऑफ सॉल्ट. हम चुटकी भर उठाते हैं ना, तो उसके लिए हम उसे काउंट करते हैं. राइस के एक पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बेटा जी, वो राइस का पॉइंट जो होता है बाइट कह सकते हैं. क्लियर है? वो एग्जैक्टली अनकाउंटेबल है. आप बनाते समय नॉर्मली, अगर आप वही बात है कि अगर आप बनाते समय, इज इट पॉसिबल कि
पेरेंट्स कहें बेटा राइस बनाना है, तो वो कभी कहेंगे बेटा जी आपको 2,07,78 दाने बनाने हैं? इज इट पॉसिबल? सो कॉमन थिंग, क्लियर है? कैमरा लगा, मैं बोल नहीं सकता, फिर बाद में, ओके? पहला नंबर आता है हमारे पास, ऑब्वियसली दैट वर्ड इज डेफिनेट नंबर. पहला वर्ड है हमारे पास डेफिनेट नंबर. डेफिनेट नंबर की यदि बात करते हैं तो डेफिनेट नंबर में कॉर्डियल, ऑर्डिनल ऐसे कुछ नंबर्स की अगर बोलें तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और कहेगा यार इतनी सारी टर्म्स याद करना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, ऑर्डिनल, सब ऑर्डिनल, कॉर्डिनल ऐसे वर्ड्स को बहुत टाइम लगाएगा बच्चा याद करने में. तो एक काम करते हैं, डेफिनेट नंबर्स को ना ऐसे कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहला हमने लिखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर हम कहें एक वर्ड लास्ट. ये काउंटिंग एज इट इज चलती जाएगी, इसका कोई लिमिट नहीं है. अगर मैं ऐसे ही दोबारा यूज करूं 1, 2, 3, हम बोल सकते हैं एंड दैट लाइन गोज टू इनफाइनाइट, एंड ही नहीं है इसका. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो ये भी लाइन क्या है? इनफाइनाइट है, टिल द लास्ट, इसका भी कोई अंत नहीं है. अब आ जाता है डेफिनेट के बाद हमारे पास दूसरा नंबर एंड दैट इज इनडेफिनेट. एंड दैट इज इनडेफिनेट. इनडेफिनेट मतलब काउंटेबल है बट वी आर अनेबल टू काउंट, हम गिन नहीं सकते. ठीक है, जैसे मैंने कहा लोगों को गिन सकते हैं, क्लास में स्टूडेंट, लेकिन अगर यही बच्चे किसी मेले में हो और भीड़ ज्यादा हो तो काउंटेबल है बट वी कैनॉट काउंट. काउंटेबल है बट वी कैनॉट काउंट, दो मिनट बाद. ठीक है, काउंटेबल है, वी कैनॉट काउंट, इजी. तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? लाइक मैनी, फ्यू, फ्यूअर, सम, एनी, ऑल, होल, नो, मोस्ट, मोर, सेवरल, और ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से नंबर को इंडिकेट करते हैं. किसको इंडिकेट करते हैं? नंबर को इंडिकेट करते हैं. पॉइंट क्लियर? तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं और इससे संबंधित कुछ आपके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है भाई डेफिनेट नंबर का यूज करते हैं थोड़ा सा. अच्छा, इसका इस्तेमाल इजी है या डिफिकल्ट है पहले बताओ. 1, 2, 3 यूज करते हैं आप कभी? हम जब भी बाजार जाते हैं प्री डिसाइडेड होता है आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, और उसमें भी डिजिट हमें पता होती कितना. बाजार गए, शर्ट, ट्राउजर, वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, डिसाइडेड होता है भाई इतनी चाहिए या इतना चाहिए. पॉइंट क्लियर है? तो आप इसके लिए यूज करते हैं. अब जैसे मैंने कहा the two chapters of this book are very interesting. अब हमने एक वर्ड यूज किया इंटरेस्टिंग, ये भी एक एडजेक्टिव है. खैर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी हमने बोला चैप्टर्स नाउन, और नाउन से पहले हमने यूज किया एक नंबर, द टू चैप्टर्स. अच्छा, यहां पे 2 की जगह हम 3 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका भी. यानी कि अगर हमें इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का तो काउंटिंग आप बढ़ा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट. अच्छा, अगर मुझे यूज करना है कि फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग. अब इसके अंदर पहले हमारे पास चैप्टर्स था नाउन, नाउन से पहले हमने एक नंबर का इस्तेमाल किया. किसका इस्तेमाल किया? नंबर्स का. और नंबर्स से पहले मैंने ये भी बता दिया कौन से 2 चैप्टर्स हैं, कौन से 2 चैप्टर्स हैं. तो जब आपके पास ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है तो सबसे पहला पॉइंट
आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे, ऑलवेज फॉलो द सीक्वेंस, ऑलवेज फॉलो दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यदि मल्टीपल सीक्वेंस है आपके पास, कैसा है मल्टीपल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम ऐसी परिस्थिति में यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, आसान है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस में मैंने यहां पर लिख दिया द टू फर्स्ट चैप्टर्स, टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक, तो ये सेंटेंस में सीक्वेंस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो जब सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि एडजेक्टिव का इस तरीके से यूज आप करते हैं तो सीक्वेंस को जरूर फॉलो करेंगे आप। पॉइंट क्लियर, बोलो हाँ या ना। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, साथ साथ नोट करते चलिए। इजी है, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास दूसरा सेक्शन आता है मैनी, फ्यू, फ्यूअर, सम, एनी, ऑल, होल, मोस्ट, ये सभी एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो जब ये पढ़ाया जाएगा विल टेल यू एवरी सेक्शन, सारे सेक्शंस कवर कराएंगे इसके, ठीक है, कि कोई भी वर्ड कहां पर किस तरीके से यूज हो रहा है, क्लियर, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दैट सेक्शन, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं मैं, डेफिनेट वाला मिटा दें ये वाला। अब यहां पर जितने भी एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है, जितने भी एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है वहां पर हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है मैनी का। सबसे पहला पॉइंट कि मैनी का यूज तभी होगा जब आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब को क्रॉस करेंगे और यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। पॉइंट क्लियर है? अगर वर्ब है तो प्लूरल सेक्शन ही कवर होगा, सिंगुलर सेक्शन कवर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? जैसे मैंने एक वर्ड बोला मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, क्लियर है। अब ऐसे ही अकॉर्डिंग टू नेशनल जो हमारा क्राइम रिपोर्ट आता है उसके अनुसार इन आवर कंट्री मैनी केसेस या मैनी क्रिमिनल्स लेफ्ट लेफ्ट बिहाइंड या लेफ्ट बेसिकली कहते हैं ना विदाउट गेटिंग एनी पनिशमेंट। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर क्रिमिनल्स बच जाते हैं पनिशमेंट पाए बिना, क्लियर है। मैनी केसेस आर अनसॉल्व्ड, मैनी केसेस आर अनसॉल्व्ड, बहुत सारे केसेस है जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो वर्ड आता है मैनी, मैनी के साथ हमेशा नाउन अगर आएगा दैट शुड बी प्लूरल एंड हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लूरल, ये बात याद रखना है। पॉइंट क्लियर है? अगर ऐसे ही एक व्यक्ति बोलता है, अगर ऐसे ही बोलता है द पुलिस have many pieces of work, many pieces of work, या फिर हम कह सकते हैं many cases to solve, the police have many cases to solve, तो जैसे ही आपने बोला many cases to solve तो
आपके पास में केसेस एक नाउन है और ये कैसा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल, ठीक है। तो यहां पर आप मैनी का यूज कर सकते हैं। याद रखना है मैनी का मीनिंग होता है आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा। अगर कंपैरिजन आप इसका मोस्ट से करते हैं तो ही आप इसका डिस्क्रिप्शन आधे से ज्यादा लेंगे। अदरवाइज अगर हम इन सेंटेंसेस में यूज करते हैं, इन सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो मैनी के साथ जब स्टूडेंट्स लगाया तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, ऑलमोस्ट 60-70%। और अगर केसेस की बात की जाए तो बहुत सारे केसेस है, यहां पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि संख्या या क्वांटिटी या नंबर क्या है। इजी है पॉइंट, क्लियर? चलिए इसके बाद एक और कंसेप्ट हमारे पास इसी का आता है कि मैनी के साथ अ का यूज भी किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अ। जैसे आपने सुना होगा कि सच के साथ भी अ यूज किया जाता है, सर्टेन के साथ भी अ। तो मैनी के साथ जब अ यूज करते हैं तो मीनिंग सेम नहीं होता है, सॉरी मीनिंग सेम होगा, फॉर्मेशन सेम नहीं होगा। अगर आप कहीं पर मैनी के साथ अ का यूज करते हैं, मैनी अ, तो मैनी अ का इस्तेमाल होगा सिंगुलर नाउन के साथ, और यदि आगे कोई वर्ब है तो वो भी सिंगुलर ही आएगा, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट अटेंड्स क्लास रेगुलरली। मैनी अ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स अटेंड क्लास रेगुलरली। अब मैनी अ अगर लिखा है तो इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी एक सेक्शन है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, तो अ के साथ हमेशा सिंगुलर केस का इस्तेमाल होता है, इसके साथ कभी भी प्लूरल केस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैनी अ स्टूडेंट अटेंड्स क्लास रेगुलरली। पॉइंट क्लियर है? जब भी मैनी का यूज होगा तो उसके साथ में सिंगुलर ही आएगा। बट मैनी अ बहुत कम यूज होता है। मैनी आ का इस्तेमाल शायद स्कूल लाइफ में अगर यूज किया हो तो आपको याद भी नहीं होगा। क्लियर है? तो मैनी आ को यहां पर रोकते हैं और नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं, फ्यू। लाइट आ रही है? कोई बात नहीं। कहां पर नहीं दिख रहा बेटा? अटेंड द क्लास रेगुलरली, अटेंड द क्लास रेगुलरली, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। और आपके लिए क्वेश्चन अब आ रहे हैं मैनी के बाद फ्यू का। जैसा कि आपने एक चीज नोट किया, ध्यान दिया कि फ्यू मैनी का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा। सबसे पहले फ्यू का मीनिंग देख लीजिए। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर संख्या, ना के बराबर संख्या। संख्या है लेकिन ना के बराबर है। इसका एक मीनिंग यह भी बनता है कि एक से तो ज्यादा है, एक से तो ज्यादा है, तो उस परिस्थिति में फ्यू के साथ हमेशा कौन सा नाउन आना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल नाउन आएगा, कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। और अगर आगे कोई वर्ब है तो वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। क्या रहेगी? सिंगुलर। लेकिन ऐसी परिस्थिति को फिर से आपने क्या कर देना है? क्रॉस, क्योंकि पेपर में दिखेगी आपको सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं काउंटेबल में प्लूरल नाउन की तो वो सिंगुलर नहीं हो सकता, वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। पॉइंट क्लियर है? फ्यू दिखने में अक्सर आपको कंफ्यूज करता है लिटिल के स्थान पर, फ्यू और लिटिल के स्थान पर आपको कंफ्यूजन आएगी, लेकिन कंफ्यूज होने की जगह आप उसके लॉजिकल आंसर्स देखिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? फ्यू नंबर को दिखाता है, प्लूरल नंबर, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? प्लूरल ही होगी।
दूसरा वर्ड आता है ऑफ यू। ऑफ यू मतलब यहां पर थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत संख्या, थोड़ी बहुत संख्या। अब फ्यू और ऑफ यू दो वर्ड आते हैं, अब दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और इसके साथ में नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है जिसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि आ फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नंबर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू सम, सम का साइनोनियम मानते हैं हम इसको। किसका साइनोनियम मानते हैं? सम का साइनोनियम मानते हैं। इसी के बाद वर्ड आता है हमारे पास एक लास्ट वर्ड, द फ्यू। एक लास्ट वर्ड आता है द फ्यू। द फ्यू का अर्थ होता है जितना है, यानी जितनी संख्या है, चाहे कम है, संख्या है सारा, लेकिन सारा, जितनी भी संख्या है बेशक कम है लेकिन सारा, लेकिन सारा। पॉइंट क्लियर है? चाहे काउंटिंग कम है बट कंप्लीट काउंटिंग को आप यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे? द फ्यू के अंदर। पॉइंट क्लियर है? याद रखना रूल यही चलेगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर कभी नहीं आएगा। और अगर संख्या में कंपैरिजन दिखाना है आपको, अगर संख्या में कंपैरिजन दिखाना है तो कंपैरिजन दिखाने के लिए फ्यूअर का इस्तेमाल होता है। किसका यूज करेंगे आप? फ्यूअर का। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, क्या एग्जांपल है? जैसे अब मैंने एक उदाहरण बोला कि मेरे पास किताबें हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि फ्रीडम फाइटर्स की कितनी किताबें हैं, तो मैं कहूंगा फ्यू बुक्स। क्या बोलूंगा? फ्यू बुक्स। अब फ्यू का मतलब यहां क्या बना? ज्यादा या कम? कम, या मुझे पता ही नहीं है कि शायद है भी के नहीं, बट आई एम नॉट श्योर। तो हम यूज कर सकते हैं फ्यू, संख्या में बहुत कम, या फिर कहें ना के बराबर। तो हम एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स, ऑन फ्रीडम फाइटर्स, आई हैव फ्यू बुक्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स का अर्थ सिंपल है, बहुत सिंपल, कि स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर मेरे पास जो किताबें हैं कितनी हैं? ना के बराबर, फ्यू बुक्स। और फ्यू का यूज किया तो वो कैसी पॉजिटिव बनाया? नेगेटिव, नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं सुडोकू की, सुडोकू सुना है आपने गेम? तो अगर मैं कहूं ना के बराबर लोग ही इस गेम को प्रॉपरली खेल सकते हैं, ना के बराबर का मतलब होता है शायद ही रेयर बच्चे हैं, या इस क्लास में बहुत कम विद्यार्थी हैं, या ना के बराबर हैं जो इस गेम को खेल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स कैन प्ले दिस गेम, फ्यू स्टूडेंट्स कैन प्ले दिस गेम। अब उसमें सुडोकू के अंदर जो ब्लॉग आता है 9x9 वाला, 9x9 वाला, कि 9 इधर है 9 इधर, ये सब कर लेते हैं, लेकिन 9 से आगे जैसे ही बढ़ जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन पड़ेगी। 12 के बाद अगर और बढ़ जाता है तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती। तो ऐसी परिस्थिति में फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू यानी ना के बराबर। ठीक है, अब जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसे रेयर ही वर्क देखने को मिलते हैं, जब रेयर वर्क देखने को मिलते हैं यानी ना के बराबर वर्क मिलते हैं, तो उस परिस्थिति में हम बोलते क्या है? फ्यू वर्क्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं? फ्यू वर्क्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया आर गुड। ठीक है, या आर प्रेजेंट, या जो भी आपको आगे कंटिन्यू करना है।
पॉइंट क्लियर है? फ्यू मतलब ना के बराबर, ठीक है? फ्यू के साथ नॉट नहीं आएगा, फिर से बताते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अफ्यू का। अफ्यू का मतलब जैसा कि मैंने बताया संख्या में थोड़ा ज्यादा जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सपोज कीजिए आई एम हंग्री, सपोज कीजिए कोई भी एक व्यक्ति हंग्री है। आपने पूछा हाउ मेनी पीसेस ऑफ केक यू हैव, हाउ मेनी पीसेस ऑफ केक डू यू हैव। सामने वाला कहता आई हैव टू पीसेस, एंड आपकी डाइट जो है वो 10 to 20 पीसेस की है, 1%। तो जो 2 पीसेस हैं वो क्वांटिटी कितनी हुई, काफी या ना के बराबर? ना के बराबर। तो ना के बराबर। अब वाइल प्लेइंग चेस, वाइल प्लेइंग चेस इफ वी आर प्लेइंग विद एक्सपर्ट्स देन वी हैव लेफ्ट फ्यू चांसेस, देन दे लेफ्ट फ्यू चांसेस टू विन। तो फ्यू मतलब ना के बराबर। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आप फ्यू। आई वॉन्ट टू बाय अ फ्यू ड्रेसेस फॉर दिस फंक्शन। आई वॉन्ट टू बाय अ फ्यू ड्रेसेस फॉर दिस फंक्शन। मतलब क्या बना कि मैं परचेज करना चाहता हूं, कितनी ड्रेसेस परचेज करना चाहता हूं? अ फ्यू ड्रेसेस। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ी बहुत। अगर इस परिस्थिति में मैं यहां पर फ्यू का इस्तेमाल करता हूं तो फ्यू मतलब ना के बराबर। ना के बराबर कोई नंबर ही नहीं होगा, ना के बराबर कोई संख्या नहीं होती है। यू वॉन्ट टू बाय सम न्यू ड्रेसेस और उसके लिए आप यूज करेंगे अ फ्यू। समझ गए बात? क्लियर है? एंड द लास्ट, अगर हम यूज करते हैं द फ्यू। अब मैंने एक सेंटेंस बोला द फ्यू। द फ्यू का अर्थ होता है जितना है सारा। द फ्यू का अर्थ क्या होता है? जितना है सारा। तुम क्या लिख सकते हैं? द फ्यू ड्रेसेस आई हैव, द फ्यू ड्रेसेस आई हैव। जब मैंने यहां पे लिख दिया आई हैव तो इसमें हिंदी बनती है जितना है सारा। तो ये यहां पर जो आई हैव लगाया है दैट वर्ड इंडिकेट क्वांटिटी या नंबर कि कितना है, जितना भी है सारा। द फ्यू ड्रेसेस आई हैव आर कॉस्टली, आई हैव आर कॉस्टली। आप आगे लिख सकते हैं न्यू, आप आगे कोई भी लिख सकते हैं जो भी रिक्वायर।